नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको दोबारा बताऊंगी कि इस देश में पुरुषों के साथ कितना गलत हो रहा है। सही मायने में देखा जाए तो ये देश पुरुषों के लिए रहने लायक ही नहीं बचा। रिपब्लिक चैनल के चर्चित डिबेट शो के एंकर विकास शर्मा का निधन हाल में ही 5 फरवरी को हो गया। वे लंबे समय से नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती थे। उनकी मौत को लेकर कई चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि वो बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। कुछ ये कह रहे हैं कि कंपनी का बहुत प्रेशर था। विकास ही नहीं, बहुत से तमाम लड़के हैं इस देश में जो एक होनहार हैं। देश के लिए जज्बा है उनके मन में कुछ करने का और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह जकड़े हुए हैं कि वो हर टाइम उनके ऊपर एक परेशानी सी रहती है, उनके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन सी रहती है कि कैसे निपटना है। देश का कानून कुछ इस तरीके का है कि वो सिर्फ महिलाओं की बात सुनता है, पुरुषों की कभी नहीं सुनता। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो, चाहे वो विकास शर्मा की मौत हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मासूम अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के बारे में, उन्हें मीटू अभियान के दौरान एक महिला ने यौन उत्पीड़न के झूठे आरोप में फंसाया था। क्योंकि वो डिप्रेस थे, वो इतना डिप्रेशन में आ गए थे कि उनको सुसाइड करना पड़ा। अगर उनकी गर्लफ्रेंड उनका साथ नहीं छोड़ के जाती तो संभवतः ये कभी नहीं होता। लेकिन यहां पे ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि वो मजबूर हो गए। और मेंटल हेल्थ के बारे में हमारे देश में कोई चर्चा नहीं होती, और खासकर जब वो किसी पुरुष की मेंटल हेल्थ की बात हो तो हम कतई नहीं इस पे चर्चा करते। ना कोई पॉलिसीज बनती है हेल्थ इश्यूज को कवर करती है, मेल हेल्थ इश्यूज को कवर करती है, ना हम कभी इस बारे में सोचते हैं। हाल में ही मुझे पता चला कि विकास शर्मा कितने मेंटल ट्रॉमा में थे। पारिवारिक कलह जो होता है वो पुरुष को तोड़ के रख देता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता। और जब पारिवारिक कलह में उसके अपने बच्चे इन्वॉल्व हों, वो बच्चों की शक्ल देखने के लिए तरस जाए, वो कितना रोता होगा हम सब ये नहीं जानते। मीडिया ने ये तो बताया, ये जो दुख जताया कि विकास शर्मा हमारे बीच में नहीं है। पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनकी डेथ हुई, लेकिन हेल्थ कब डिटोरिएट होती है किसी की? जब वो बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर में होता है। ऐसा सोशल मीडिया द्वारा मुझे पता चला और बहुत सारे पत्रकारों से बात करके पता चला कि उनकी पत्नी ने उनके ऊपर कुछ केसेस लगा रखे थे। अब केसेस का तो आपको पता ही है कि केसेस एक बार लग जाएं तो तारीख पे तारीख ही मिलती है पुरुष को। विकास के परिवार के अनुसार, अपनी पत्नी और ससुराल वालों द्वारा लगातार उत्पीड़न के कारण लंबे समय से गंभीर अवसाद और बिगड़ते स्वास्थ्य से जूझ रहे थे। अब कोर्ट तो बाद में तय करेगी कि कौन सच है और कौन झूठा है, और मैं यहां कोई जज नहीं हूं इस बात को तय करने के लिए। लेकिन इतना जरूर कहूंगी कि रोते बिलखते मरते हुए इंसान को उसके बच्चे से मिलवाना तो बहुत जरूरी था। अगर पत्नी को इस बात का पता था तो उन्हें एटलीस्ट मॉरल ग्राउंड्स पे उन बच्चों को
जरूर विकास के बच्चों को जरूर मिलवाना चाहिए था अंतिम समय पे। ये बहुत ही दर्दनाक है कि विकास अपने बच्चों से नहीं मिल पाए अंतिम क्षणों में। हम सभी निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। मैंने देखा कि उनके निधन के बाद बड़े से बड़े नेता ने ट्वीट किया है, सारे मीडिया के बड़े बड़े दिग्गजों ने ट्वीट किया था, लेकिन इस ओर किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं हुआ कि वो कितना दुखी था, वो कितना परेशान था अपनी लाइफ से। प्रोफेशनल प्रेशर बहुत होता है, काम करना आसान नहीं है दिल्ली जैसे शहर में, कानपुर जैसे जगह से आकर के विकास ने अपनी बहुत बड़ी जगह बनाई थी। सेम वैसे ही जैसे सुशांत सिंह राजपूत पटना से आकर के मुंबई में अपनी एक पहचान बना पाए, वैसे ही विकास शर्मा भी छोटे मोटे चैनलों में जब तक काम करते रहे इतना नहीं जानती थी दुनिया उनके बारे में, लेकिन हाल में ही उन्होंने रिपब्लिक ज्वाइन किया, तब से जब से वो प्राइम टाइम करने लगे 9 बजे, तब से उनकी काफी पकड़ बनी और बहुत लोग उन्हें बहुत सराहने लगे और उनकी जो पत्रकारिता थी उसका एक अलग अंदाज था, उनकी एंकरिंग में सबको बहुत आनंद आता था। और मैंने भी उनसे जब भी मुलाकात करी, मेरी हालांकि मेरी एक दो मुलाकातें ही हुई, मुझे हमेशा वो बहुत एनर्जेटिक लगे और एक छोटी सी जगह से आने के बाद भी उनके दिमाग में बहुत बड़ा कुछ कर दिखाने का एक जो इच्छा होती है वो बहुत तीव्र इच्छा, लेकिन मन की पीड़ा जो होती है वो बहुत दुखी कर देती है इंसान को। और पारिवारिक कलह, इसका किसी के पास कोई समाधान नहीं है, क्योंकि पुरुष की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। आप अपने मीडिया दोस्तों के साथ ये बातें नहीं शेयर कर सकते, ऐसा मैं मानती हूं, क्योंकि प्रोफेशनल राइवलरी बहुत होती है। आप करें तो करें क्या जब आप अपने दिल का हाल किसी से नहीं कहते और घुट घुट के मरते हैं, जब आपके ऊपर पॉक्सो जैसे एक्ट लगे हों, आपके ऊपर अपने ही बच्चे के अंडरवेयर में, बेटी के अंडरवेयर में हाथ डालने का आरोप हो, तो आप कैसे जी सकते हैं? तो घुट घुट के वो बंदा जीता था, हर रोज रोता था, लेकिन फिर एक दूसरा मुखड़ा पहन करके काम पे जाता था और काम का पूरा प्रेशर लेने के बाद भी उतनी ऊर्जा से 9 बजे वाला शो करता था रिपब्लिक भारत पे। इतने लाखों फैंस हैं उनके, आज सभी ये कहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ी हस्ती को खो दिया। हम सभी दुखी हैं उनकी मौत के बाद, लेकिन हम उन्हें क्या हेल्प कर सकते हैं? मेरे को लगता है हम उनके जाने के बाद एक चीज पे जरूर गौर कर सकते हैं, वो है मेल मेंटल हेल्थ। हाथ जोड़कर सभी से मेरी विनती है, आपके जितने भी मेल फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पिता हैं, भाई हैं, हस्बैंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर बात करिए। और जरा सा भी आपको शक हो कि कुछ गड़बड़ी है तो जरूर 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय हो आपके पास, बैठिए उनके पास, उनके दिल का हाल जानिए, उन्हें यूं रोता बिलकता ना छोड़िए। कल सुशांत थे, आज विकास शर्मा है, कल आपका भाई हो सकता है,
आपका हस्बैंड हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, आपका पिता हो सकता है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया मेंटल हेल्थ के बारे में जरूर बात करिए उनसे, और उन्हें हर हाल में खुशी पहुंचाने की कोशिश करिए। अगर आप उनके सच में मित्र हैं, हितैषी हैं, अगर आप उनके वेल विशर हैं, तो आप उन्हें मौत के मुंह में ना धकेलिए। मेरा आप सभी से अनुरोध है, दिल से अनुरोध है कि मेन आर ह्यूमन टू। उनकी पीड़ा हम सबको सुननी चाहिए, और ऐसे हम उनको जाने नहीं दे सकते। असमय मृत्यु इन दोनों लड़कों की हुई है। लड़के तो हजारों लाखों हैं, लेकिन हाल में ही ये दोनों मौतें बहुत सुर्खियों में रही, इसलिए मैं आपको इनके बारे में जानकारी दे रही हूं। ऐसे हर रोज मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं और उन पे मैं अपनी काउंसलिंग करती हूं और उन्हें दिलासा देती हूं कि फाइट बैक करिए केसेस को, ना तो सुसाइड करिए और ना ही इतना ज्यादा उसके बारे में सोच लीजिए कि आपको इतना मेंटल ट्रॉमा हो जाए कि आपकी हेल्थ आपका साथ ना दे, आपकी बॉडी आपका साथ ना दे और एक दिन आप दम तोड़ दे। मैं ऐसा कतई नहीं चाहती, इसीलिए मैं हमेशा काउंसलिंग करती हूँ ऐसे लड़कों की, ऐसी बहनों की, माओं की, पिताओं की, जब भी वो मुझे कॉल करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सोचिए इस बारे में।